नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात कुमार। स्वागत करता हूं एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेडिक्शन देने वाला हूं, बेस्ट एनालिसिस देने वाला हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की कल के लिए, कल दैट मींस 30 अगस्त के लिए। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ू उससे पहले मैं ना कल जो हमने प्रेडिक्शन किया था आज के लिए, मैं पहले उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। देखो, मैंने कल हमारी वीडियो में बताया था कि आपको गैप अप में सेल करके चलना है। आज बैंक निफ्टी गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद बैंक निफ्टी ने 44,430 का लो लगाया। मैंने 44,900 का पुट ऑप्शन दिया था जिसने आपको 90 पॉइंट्स का गेन दिया, ध्यान होगा आपको। प्लस मैंने एक स्टेटमेंट और दिया था, ध्यान है, मैंने बोला था कि देखो बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड लाइन में चल रहा है, एक हायर हाइज हायर लोज फॉर्म कर रहा है। अगर सपोर्ट के आसपास आता है, दैट मीन 44,480 के आसपास आता है तो बाय करके चलना है। वहां से बैंक निफ्टी 44,600 तक गया है, लगभग 125 पॉइंट हमको मतलब गेन दिया है। ट्रेडर्स, यहां मैंने आपको 44,300 का कॉल ऑप्शन दिया था जिसने आपको 40 पॉइंट्स दिए। तो ये तो मेरी बात रही प्रीवियस वीडियो की, जो कि जबरदस्त गई, एक एक मेरे वर्ड सटीक साबित हुए। नाउ आज की वीडियो में भी मैं आपको बेस्ट व्यू देने वाला हूं कल के लिए। इसी के साथ मैंने 3 जैकपॉट ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट किए हैं जो कि कल शानदार आपको पैसा बना के देने वाले हैं। इसी के साथ मैंने आज स्पेशल 3 स्टॉक्स लेके आया हूं, ठीक है, देखिएगा, बड़े 3 अच्छे स्पेशल स्टॉक्स हैं। बहुत ही मजेदार होने वाली, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। देखो, अगर आपको प्रॉफिट बनाना है इस वीडियो को पूरा प्रॉपर देखिएगा, स्किप करके देखेंगे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बस एक चीज मैं आप लोगों को चाहता हूं, आपका सपोर्ट। आज का लाइक एम रखते हैं एटलीस्ट 7,000+ और कमेंट एम रखते हैं 700+। आशा करता हूं पीटीएस फैमिली आप लोग जरूर कंप्लीट करेंगे और ट्रेडर्स हमारी पीटीएस फैमिली 4 लाख सब्सक्राइबर की होने वाली है। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और इस माइलस्टोन को कंप्लीट करवाइए। थैंक यू, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। सो बैंक निफ्टी स्टिल खड़ा है मेक और ब्रेक जोन पे, डू और डाई जोन पे, ठीक है। और ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि भैया ये एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन बड़ा भयंकर कांड करने वाला है, एक बड़ा भयंकर ब्लास्ट करने वाला है। अच्छा, यदि मैं बात करूं मेरे कल वाली वीडियो के प्रेडिक्शन की, बिल्कुल सटीक रहा। ध्यान होगा मैंने गैप अप में सेल करने को बोला था, गैप अप में जिसने सेल किया पैसा बना। प्लस मैंने क्या बोला था ये मैं दिखा रहा हूं, मैंने आपको बताया था कि देखो अगर ये वाला जो अप ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट करेगा तो बाय करके चलना है। यहां से 470 से हमारा बैंक निफ्टी 500-600 तक गया। आशा करता हूं जिसने मेरी वीडियो प्रॉपर देखी होगी पैसा बनाया होगा, ठीक है। अब सुनो, कल के लिए भी मार्केट दोनों साइड है। हर बार देखो मैं आपको वही दिखा रहा हूं ना, ये वाला स्टिल डाउन ट्रेंड है हमारा, ठीक है, वहीं पर खड़ा है। सो कल के सेशन में अगर इसको नीचे जाना है, ध्यान रखना, तो यहीं से क्रैक दे देगा। अब किसके नीचे सेल करके चलना, सुनो, ये हमारा आज का जो सपोर्ट है ना वो है भैया 44,440, ठीक है, 44,440। इसके नीचे यदि सस्टेन करता है देन वी कैन गो शॉर्ट, क्योंकि ये क्या है, बॉक्स पैटर्न, क्लियर है ना। टारगेट होगा 44,340, 44,240 एंड 44,140, 3 टारगेट है, क्लियर है। दूसरा पता रीजन क्या होगा, इस अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा, तो 2 रीजन हो चुके हैं। प्लस एक कॉन्ट्रीब्यूशन पैटर्न दिखा दूं आप लोगों को, फिर ये एक इस वाले कॉन्ट्रीब्यूशन पैटर्न में अपना ये आ जाएगा। आई होप सो आप समझ चुके हैं, क्लियर है ना ये चीज। इस केस में यू कैन टेक 44,600 पी बैंक निफ्टी का, ठीक है, ये अगस्त मंथ वाली एक्सपायरी का लेना है, 240 से 250 के अबव लेना है, स्टॉप लॉस हो जाएगा 230 का, टारगेट होगा 280, 300 एंड 350, ये 3 टारगेट हैं, क्लियर है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का ध्यान रखना, राइट। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको प्रीमियम बैंक निफ्टी निफ्टी के ट्रेड्स लेने हैं लर्निंग पर्पज के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे लिंक के थ्रू आपको अकाउंट ओपन करना है, सच एज एंजल ब्रोकिंग, लाइज ब्लू, दोनों में से किसी एक में अकाउंट ओपन करके फंड ऐड करो, ट्रेड स्टार्ट करो, देन हमको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, देन हम आपको ऐड कर लेंगे हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में। आज का दिन बहुत ही शानदार रहा, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के जबरदस्त ट्रेड दिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने दिखेगा अभी, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो ट्रेडर्स, मैं सेलिंग तो आपको समझा चुका हूं, अब समझो बाइंग कैसे होगा। अच्छा, सेलिंग एक और केस में होगा अगर भयंकर गैप अप खुल जाए। देखो, गैप अप में बाइंग नहीं है, ध्यान रखो, ये आज जो हुआ ना गैप अप के साथ सेलिंग हुआ, ऐसे गैप अप अगर होगा तो सेलिंग करके चलना है अराउंड 44,650 के नीचे, ठीक है। अब सुनना, बेरिश हैमर देख के बाइंग कैसे होगा। बाइंग होगा यदि इस डाउन ट्रेंड के रेजिस्टेंस के ऊपर हमारा ये ब्रेकआउट दे दे, गॉट इट, ये चीज, यानी ये देखो, ये दिख रहा हो बॉक्स पैटर्न भी है, ठीक है, इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर, यानी 44,640 के ऊपर हमारा फ्रेश बाय होगा, करेक्ट है, इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर। बट रिमेंबर वन थिंग, ऐसा नहीं कि एक दो कैंडल क्लोज करेगा तो बाय कर लेना, नहीं, वहां पे कंसोलिडेशन होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, आधे घंटे, देन वी कैन गो फॉर बाय 44,740,
फर्स्ट टारगेट 44,840, सेकंड टारगेट 44,940, ये तीन टारगेट हैं जी। अंडरस्टूड? यहाँ पे कौन सा कॉल ऑप्शन लोगे ये बताऊंगा वीडियो के एंड में, देखते रहना ठीक है। अच्छा लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको क्या ये रेंज बनते हुए दिख रखा है? ये रेंज पता कितने कितने मतलब कितने उस पॉइंट्स का है? देखो ये 160 पॉइंट का रेंज है, आप लोग समझ पा रहे हो? इसके अंदर मतलब 160 से 180 पॉइंट का, 180 पॉइंट कह लेते हैं, 180 पॉइंट्स के बीच में हम रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा सुनना, कल यहां मिलेगा रेंज बनेगा, इसका ब्रेकआउट देगा, मैं बाय कर लूंगा यहां तक के टारगेट, यानी 44,640 के टारगेट के लिए मैं बाय कर लूंगा, करेक्ट है? अच्छा और दूसरा, यदि अगर टॉप पे दिखता है, टॉप पे बेरिश हैमर बनाते हुए दिखता है, मैं शॉर्ट करूंगा 44,440 के टारगेट के लिए। होप यू हैव अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये हम रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा रेंज ट्रेडिंग मैं आपको सामने से कर अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, कि क्या कॉल ऑप्शन क्या पुट ऑप्शन लेके चलना है एडुकेशन पर्पज के लिए। ऑल राइट, तो ये हो गया भैया देखो बैंक निफ्टी का व्यू। जो व्यक्ति नए हैं इस रेंज में अवॉइड करेंगे, देखो इस रेंज ट्रेडिंग में अवॉइड करेंगे। बेस्ट मोमेंटम कब आएगा? सुनो कब आएगा, जब इस रेंज का टूटेगा हायर एंड, या तो 44,640 टूटे, या तो 44,440 टूटे। होप यू हैव अंडरस्टूड राइट ना। चलिए एक एक सटीक मैं आपको व्यू बता चुका हूं। ध्यान रखो पहले हमको वेट एंड वॉच करना है, ये नहीं कि बिल्कुल खुलते हमने ट्रेड ले लिया, पहले हमको वेट एंड वॉच करना है, जहां पर रेंज टूटेगा वहां पर हमको हमने ट्रेड लेके चलना है, दैट्स सो सिंपल। हाय गाइस, आपको पता है ज़ीरोधा के रिसर्च में ये आया है कि 98% 100 में से 98% जो ऑप्शंस ट्रेडर है वो लॉस कर रहे हैं, बहुत ही कम यानी 2% के आसपास लोग पैसा बना पा रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। ये क्यों होता है रिसर्च में पाया गया, ये क्यों होता है? क्योंकि लोग प्रॉपर एंट्री नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर एग्जिट नहीं ले पाते हैं, दिमाग में लेके चलते हैं कि मैं 20 पॉइंट के लॉस में निकल जाऊंगा, लेकिन वो 50 60 70 पॉइंट तक लॉस में होल्ड करते हैं, डर के मारे 15-20 पॉइंट प्रॉफिट में निकल जाते हैं, लेकिन वो जाता है 50-70 पॉइंट, राइट? ये है, कमाते हैं मॉर्निंग में 10,000, शाम तक होते होते 2,000 लॉस में चले जाते हैं, राइट ना? अच्छा आज चार दिन कमाते हैं, फ्राइडे को पूरा कमाई दे देते हैं और कैपिटल से भी हाथ धो देते हैं। ये सब कारणों से ऑप्शन ट्रेडर का लॉस होता है, और इसी चीज को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, मैं आप लोगों के लिए हमारा बैंक निफ्टी लाइव ट्रेडिंग मेंटरशिप बैच लेके आया हूं। देखो बाकी लोग जानते हैं, बाकी लोग जो नहीं जानते मैं बता दूं, इसमें क्या होगा, 1 मंथ तक आप लोग मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग करेंगे, मैं जो भी अपने पर्सनल ट्रेड्स लूंगा आपको शेयर करूंगा, परफेक्ट एंट्री बताऊंगा, एग्जिट बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक ट्रेड के पीछे का रीजन बताऊंगा, सो दैट यू कैन लर्न, ठीक है, कि वो ट्रेड क्यों लिया मैंने, क्या रीजन था, ताकि आप लोगों को मेरी आवश्यकता ना पड़े नेक्स्ट टाइम और आप खुद ट्रेड कर सकें। इतना मैं आपको डंके की चोट पे बोल दूं, अगर आप पूरा 1 मंथ इस क्लास में देते हैं, पूरा 1 मंथ का वैलिडिटी है, तो आपके ऑप्शंस के लॉसेस कवर हो जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं सामने से। बट हाँ, यू हैव टू फोकस ऑन द क्लासेस, राइट? प्राइस कितना जाना चाहोगे? 5,500 रुपीज, बट हमने 1,000 का ऑफ दिया, ये पड़ेगा आपको 4,500 रुपीज, राइट? अभी मैं रीजन शो करूंगा कि क्यों आप लोगों को और क्यों हर एक व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए मेंटरशिप बैच। अभी आप लोगों को फीडबैक शो करूंगा, वीडियो को पॉज करके एक एक फीडबैक को पढ़िएगा कि हमारे स्टूडेंट्स कितना जबरदस्त पैसा बना रहे हैं, ठीक है? तो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा, ठीक है, चाहे आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं, सभी लोग बैच को ज्वाइन करें और मेरे साथ प्रॉफिट करें, ठीक है? चलिए मैं आपको मिलता हूं 1 सितंबर को, ठीक है? बाकी कुछ क्वायरी है नीचे दिया गया नंबर है, इस पे आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। निफ्टी देखते हैं। देखो जी निफ्टी भी बॉक्स पैटर्न में है, ठीक है? मैंने कल की वीडियो में क्या बताया था कि जब तक निफ्टी हमारा 19,370 के नीचे रहेगा सेल करके चलना है। अच्छा मैंने जैसे बताया था, आप बताइए क्या आपने फॉलो किया, आपने 19,370 के नीचे सेल किया? जिसने किया होगा बहुत बढ़िया, हमको टारगेट देखने को मिला। आप देखो पहली बात, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, जाके मेरी वीडियो देखो कल वाली, तब आपको पता लगेगा। क्योंकि कुछ जो नए जो नवेले लोग हैं, जो हेटर्स कह लो एक तरीके से, उनको लगता है भाई क्या, उनको लगता है बकवास वीडियो। अरे यार पहले जाके वीडियो देखो, देन यू गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ऊपर ऊपर से वीडियो देखोगे फिर आ जाओगे सर कुछ हुआ ही नहीं, राइट? तो सुनो, तो इस बॉक्स पैटर्न के ऊपर हमको बाय करके चलना है, यानी 19,370 के ऊपर हम फ्रेश बाय करेंगे। टारगेट होगा 19,440, 19,500 का मेरा दूसरा टारगेट होगा। इस केस में 19,300 का सी ले सकते हैं अगस्त मंथ वाली एक्सपायरी निफ्टी के, क्लियर है ना? अच्छा सेलिंग कैसे आएगी, सुनो, सेलिंग आएगी
इस सपोर्ट के नीचे, बॉक्स पैटर्न के सपोर्ट के नीचे, यानी देखो है ना, सपोर्ट लिया ऊपर गया, सपोर्ट लिया ऊपर गया, यानी 19,300 के नीचे हमको सेलिंग देखने को मिलेगा लास्ट डायरेक्टली। मेरा टारगेट पता, मैं आपको बता दूं डायरेक्टली, इसके बाद कुछ टारगेट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, डायरेक्टली हमारा क्या सपोर्ट है, ये वाला देख पा रहे हो 19,230, ये हमारा दो सपोर्ट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। क्लियर है ना, मतलब ये चीज़ है। ऑल राइट, बाकी इसके बीच में हमको रेंज ट्रेडिंग करना है, 19,370 और 19,300 के बीच में हमको रेंज ट्रेडिंग करके चलना है। और पैनिक फ्रेश सेलिंग आएगी जब 19,230 का लेवल तोड़ देगा, ये देख रहे हो ये वाला, जब ये लेवल तोड़ देगा 19,230 का, तो हमको फ्रेश पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, क्रैक देखने को मिलेगा। ऑल राइट, जान लेते हैं स्टॉक्स में आज तीन लाया हूं मैं, गोदरेज प्रॉपर्टी, रिलायंस और लुपिन। देखो लुपिन आज चला नहीं लेकिन भागेगा, गोदरेज प्रॉपर्टी आज चला, मैंने दिया था आज के लिए, तो गोदरेज प्रॉपर्टी को बाय करके चलना है, रिलायंस को सेल करके चलना है, लुपिन को बाय करके चलना है। बट उससे पहले मैं आपको लेके चलना चाहूंगा आज हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल और हमारे पीटीएस ऐप पे। आज पीटीएस ऐप पब्लिक टेलीग्राम पे बहुत ही शानदार ट्रेड गए, फिन निफ्टी का मैं बात करना चाहूंगा पहले। हालांकि आज मार्केट रेंज बाउंड था, बट फिर भी मैंने प्रयास किया कि कुछ ना कुछ आपका पैसा मैं प्रॉफिट बनवा सकूं। एक हमारा ऐसे लिट हुआ फिन निफ्टी में, एक हमको कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकलना पड़ा, बट 19,900 के पुट में 25% देखने को मिला, 19,900 के मैंने पुट दोबारा दिया 8% और एक में 5%, ये है। क्लियर है, हर एक ट्रेड का लॉजिक शेयर किया हूं ताकि आप लोग सीख सकें, ठीक है। अच्छा, दूसरा बैंक निफ्टी का हमने एक ट्रेड दिया, ऐसे लेट हुआ, पहले ऐसे लेट, देखो मार्केट में स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा 30-35 पॉइंट का एसएल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा मैं फोकस करके चलता हूं। एक मैंने 44,600 का पुट दिया, 68 पॉइंट देखने को मिले। देखो एसएल छोटा रहेगा, मेरा टारगेट बहुत बड़ा रहेगा, 68 पॉइंट मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करवा के 68 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिलवाया। उसके बाद 44,500 का ऑप्शन दिया 16 पॉइंट, 44,500 का मैंने पुट ऑप्शन फिर से दिया, सॉरी मैंने 44,500 का पुट ऑप्शन दिया 24 पॉइंट, ये था जी हमारा आज का ट्रेड। बहुत ही बढ़िया दिन रहा, मार्केट खराब था लेकिन ट्रेड मैंने बढ़िया दिया, फिर भी आशा करता हूँ पैसा बनाया होगा आप लोगों ने। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले कि नहीं भाई, ठीक है, कि मतलब आप लोग पैसा बना रहे हो। तो लुपिन को बाय करके चलना स्टिल, क्योंकि लुपिन हमारा स्टिल बाय है, ये देखो निकलेगा, ध्यान रखो ये रॉकेट की तरह देखो निकलेगा ऊपर, ठीक है, 1100 के ऊपर बाय करके चलना है। गोदरेज प्रॉपर्टी को स्टिल बाय करके चलना है 1651 के ऊपर, ठीक है, और रिलायंस को सेल करके चलना उछाल में, क्योंकि रिलायंस ने देखो भैया तोड़ ताड़ दिया सब कुछ, है कि नहीं। तो रिलायंस को सेल ऑन बाउंस करके चलना है 2460 का राउंड, या तो फ्रेश सेल करना है 2413 का राउंड, 13 के बिलो, दैट्स सो सिंपल। सरप्राइज ऑप्शन ट्रेड जान लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, यदि बैंक निफ्टी 44,640 तोड़ेगा तो बाय करके चलना, वहाँ पे 44,400 का आप लोग सी ले सकते हैं, अगस्त मंथ वाली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का 280 से 270 के अबव लेना है, स्टॉप लॉस 260 लगाइएगा, टारगेट होगा 310 350 380। आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, कल मिलता हूँ, ठीक है। और हमारा नया मेंटरशिप बैच का रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। वीडियो पसंद आई है लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। अच्छा, आज मैं YouTube पे लाइव गया था, हमने बढ़िया प्रॉफिट बनाया, ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड था फिर भी हमने कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट बनवाया। थैंक यू, बाय बाय, सपोर्ट करते रहिए।